अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर टू की एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम हमारे पास है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जिससे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, उसमें तो पूछा गया है कि द लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड। मतलब बहुत सारे जानदार अगर एक ग्रुप बना लें और वो सिमिलर जानदार होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है बायोस्फीयर, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन। देखो, आपको पता है कि जो हमारे पास चार ऑप्शन है, कम्युनिटी में डिफरेंट जानदार मिलकर जो है ग्रुप बनाते हैं और पॉपुलेशन में ना सिमिलर या सेम जानदार मिलकर ग्रुप बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा पॉपुलेशन। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है इंक्रीज द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। मतलब हमारे पास वो कौन सी फीड है जिसमें हम फिश की क्वान्टिटी और क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्वांटिटी का मतलब है कि मकदार और क्वालिटी का मतलब है कि उसकी खासियत। ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ फिश की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन आएगा फिशरीज। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। देखो, फॉसिल्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो बकाया जात, मतलब जो जानदार इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे हमारे पास डायनासोर वगैरह हैं, ठीक है, उनके बकाया जात को हम कहते हैं फॉसिल्स, और फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं पेलियोन्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेलियोन्टोलॉजी। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है द लॉ एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो हमारे पास ऐसे लॉज, कौन से लॉज हैं और टेक्निक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के, जिसको हम अप्लाई करते हैं जानदारों को समझने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स की बात हो रही है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बायो फिजिक्स। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब हमें ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर चूज़ करना है जो इनकरेक्ट है, मतलब ख़राब स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, सिक्स एलिमेंट्स सच इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, फॉस्फोरस आर द बेसिक एलिमेंट। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो बेसिक एलिमेंट है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है, फॉस्फोरस। सेकेंड हमारे पास है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस ऑन केमिकल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे पास है मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म पॉपुलेशन, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। फोर्थ हमारे पास है द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए, बी एंड डी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट और सी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। छठा एमसीक्यू हमारे पास है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा मेडिसिन। सेवन एमसीक्यू हमारे पास है सिमिलर सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म, तो हम ये जानते हैं जब सिमिलर सेल कंबाइंड होते हैं तो ये टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। एट एमसीक्यू हमारे पास है द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास राना टेगरीना होते हैं। ठीक है, राना टेगरीना। नाइन एमसीक्यू हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि एटम की बात हो डायरेक्ट सेल नहीं आता। बी ऑप्शन हमारे पास है एटम, टिश्यू, सेल, ये भी इनकरेक्ट है। सी हमारे पास है एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो ये सी जो हमारे पास ऑप्शन है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और डी हमारे पास है एटम, सेल, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस, तो वॉल्वॉक्स जो है ना, इसको हम कॉमनली कहते हैं ग्रीन एल्जी, क्योंकि वॉल्वॉक्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से वॉल्वॉक्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। चले फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। द टेक्निक फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव द डिजायरेबल करेक्टर, डिजायरेबल करेक्टर का मतलब होता है जो हमारे फायदे का कोई करेक्टर होता है, जैसे हम इंसुलिन प्रोडक्शन करवाते हैं ना उसमें लैब में, तो ऐसा हमारे पास कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लोग डिज़ायरेबल करेक्टर जो है ना अचीव करते हैं, तो ये हमारे पास ब्रांच कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब तकसीम, दुनिया के जो अलग अलग हिस्सों में जो जानदारों को तकसीम किया गया है इसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा बायो
अगला हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट एंड देयर फ्रूट्स। तो वो कौन सा हमारे पास जो है ना, आप ये समझ सकते हो कि ब्रांच है या हमारे पास फील्ड है जिसमें हम क्रॉप की या प्लांट्स की नई नई वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा हॉर्टिकल्चर। फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है बायो एलिमेंट कंसीडर एज अ वाइटल फॉर लाइफ। ठीक है, वाइटल का मतलब ये कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह। द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा कम्युनिटी। सिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मेनी डिजीज। वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने बहुत सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई किया था, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिनजाइटिस, इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा वू अली सीना। वू अली सीना। सेवन फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जमीन का जो हिस्सा है जहाँ जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फेयर। एट फिलिंग द ब्लैंक्स है द फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल। तो इसमें ऑप्शन आएगा केमिकल। नाइन एमसीक्यू हमारे पास है फिश वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि फिश के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन वगैरह है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अमाउंट में और अच्छे अमाउंट में इसके अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन होती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है द रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग टेक्निक। हमारे पास दो टेक्निक होते हैं, रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो शो सम यूज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। मतलब हमारे